हरे कृष्णा। तो आज हमारे बीच हिज ग्रेस उपेंद्र प्रभु है, जो कि 1995 में स्कॉन ज्वाइन किए थे और 1996 में इनका दीक्षा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे गुरु महाषि हुआ था। और प्रभु जी पूरे दुनिया में भागवत का प्रचार करते हैं, वृंदावन में वास करते हैं अभी। और उसके बाद गुरु महाराज के साथ कुछ इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो महाराज का सेवा भी किए हैं। तो हम प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो जो मधुर पल है, वो जो भी रिलैक्स किए हैं महाराज के साथ, वो हमें शेयर करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़ा सौभाग्य है, महाराज जी की अंतरंग सेवाओं में आप अभी सम्मिलित हैं। तो मैं 95 में ज्वाइन किया और महाराज जी की कृपा से 96 में ही दीक्षा हो गई, एक साल में ही। उसके बाद आई थिंक 1-2 साल में मेरी ब्राह्मण दीक्षा हुई। तो वृंदावन में रहते हुए अनेक समय पर, विशेषकर भगवान गुरु महाराज की चरण सेवा प्राप्त होती थी तभी रात को। तो ऐसे तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, कुछ स्मृतियां जो हैं जो कि आपके हृदय को स्पर्श करने वाला है और गुरु महाराज के प्रति डेडिकेशन, समर्पण, सेवा भावना को वृद्धि करने वाली है, उन पलों का मैं आपसे शेयर करूंगा। तो 2000 में तभी मैं संकीर्तन में था, हमारे यहाँ बस पार्टी संकीर्तन में था। तो एक बार दुबई से कुछ भक्त आए थे, तो उन भक्तों को हम बरसाना लेके जा रहे थे। मैं था, एक मेरे साथ और एक डिवोटी था, दो डिवोटी थे और ड्राइवर, और दुबई के भक्त थे। तो बरसाना लेके जा रहे थे, तो शॉर्टली बता रहा हूँ। तो छठीकरा से आगे निकले और चौमुहा एक जगह है, तो चौमुहा के आसपास हमारी जो गाड़ी है, जो हमारी बस थी, मिनी बस थी, हाईवे में इधर से मतलब कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में आ गए, उधर से जो रोडवेज वाली बस आ रही थी उससे टकराई, जोरदार की एक्सीडेंट हुई। तो उसमें उस गाड़ी के ड्राइवर, इस गाड़ी के ड्राइवर, दोनों की डेथ हो गई, स्पॉट डेथ। और मुझे थोड़े पल के लिए, थोड़ी देर के लिए होश आया, उस टाइम मुझे पता लगा कि मुझे रोड से उठा के बस में, दूसरी बस में डाल रहे थे। तो उसके बाद तो होश आया ना, जब उसके बाद जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। और जब होश आया तो मैं देखा कि मेरे बगल में जो जो डिवोटी मेरे साथ बैठा था, ड्राइवर के साथ हम दोनों बैठे थे, तो वो डिवोटी भी मेरे बेड, दूसरे बेड पे पड़ा हुआ था। तो मुझे पता लगा, जब होश आया पता लगा कि उसकी तो बिल्कुल मेमोरी चली गई है, मेमोरी लॉस। और मेरे पैर में बहुत मतलब जोरदार की चोट लगी थी। तो डॉक्टर बोल रहा था पता नहीं, क्योंकि बहुत जोरदार लगी थी, कांच घुस गया था। तो डॉक्टर बोल रहा था पता नहीं ये ठीक होगा या काटना पड़ेगा, कोई मतलब संभावना कुछ नहीं बता सकते। तो जो भी है, तो 2-3 दिनों में गुरु महाराज स्पेशली आए, वृंदावन आए, तो हॉस्पिटल में आए, महेश्वरी हॉस्पिटल में हम थे। तो महाराज जी आए और मेरे माथे पे हाथ दे कर कहा कि उपेंद्र तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओ। और जो डिवोटी का मेमोरी नहीं थी उसके भी माथे पे ऐसे हाथ रखा, बोले तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओ। और महाराज बस हॉस्पिटल से निकले होंगे, हार्डली 5-7 मिनट की लगी होगी। इतने में ये जो डिवोटी पड़ा था बेड पे, वो बोलता है, पड़ोसी आपके, हाँ पड़ोसी, वो बोलता है कि उपेंद्र हम कहाँ पर हैं। मतलब तो ये चमत्कार हो गया, इसको याद है, मतलब अभी इतने दिन पहचान नहीं रहा था, अचानक महाराज आने के बाद जब चले गए तब बोला उपेंद्र हम कहाँ पर, बोला हॉस्पिटल। फिर उसको सारी बातें याद आ गई। और महाराज जी की कृपा है, महाराज जी इतने मतलब कह सकते हैं, एक हमारे भक्तों को अपने बेटा या अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करके उनका देखभाल करते हैं, ये प्रेम मैंने देखा। क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में तो धीरे धीरे ठीक होने लगा था, बट फिर भी कुछ इन्फेक्शन था, तो मुझे फिर दिल्ली ले जाना पड़ा, वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। और वहाँ पर एक साल रहा दिल्ली मंदिर में बेसमेंट। और जब मैं वहाँ पर था तो डिवोटी कभी कभी मजाक में बोलते थे तू क्यों आ गया भाई, मैं बोला क्या हुआ। क्योंकि जब तक मैं था वहाँ पर, तो महाराज कभी भी कहीं घूम के आते थे ना, और जितने दिन महाराज मंदिर में रहते थे रोज आते थे एक बार देखने के लिए,
और जब मुझे देखने आते थे तो पूरे आश्रम की सुपरवाइज हो जाती थी, सबको साफ सुथरा करके रहना पड़ता था। तो एवरी सिंगल डे महाराज जब भी दिल्ली आते थे, एक साल मैं जब था वहाँ, देखने आते थे कि प्रसाद ठीक मिल रहा है, मेडिसिन ठीक है, देखभाल ठीक हो रहा है। तो महाराज एक एक चीज़ों का ख्याल रखते थे कि गाड़ी तो मेरे लिए है नहीं है मेडिकल ले जाने के लिए। तो महाराज जी मतलब क्या कह सकता हूँ कि अपने पिता की तरह देखभाल करते थे, एक एक चीज़ों का ध्यान रखते थे। तो महाराज जी का, राघव प्रभु का और भी जितने भक्त हमारे वृंदावन में, हमारे अभी वैष्णव महाराज जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और विशेष महाराज जी की कृपा रही कि आज मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, और दूसरा डिवोटी भी जो था वो भी बहुत ही, और अभी मतलब रिसेंटली एक आपको चमत्कार बताता हूँ। हमारे हैं यहाँ पर जलंधर से प्रभु जी हैं, वो बिल्कुल बेड रिडन थे, अम्बाला वाले नहीं, जलंधर से, सब जलंधर से हैं। हाँ, जिनके घर गए थे महाराज। हाँ, हाँ, वो तो पूरे बेड पे लेते थे। हाँ, बेड पे लेते थे ना महाराज जाने के बाद, वो बस नेक्स्ट डे से चलना शुरू हो गया, कभी कल महाराज के दर्शन भी करने आए। तो ये विशेष महाराज जी की कृपा है। और महाराज जी वास्तविक कोई साधारण, संसार के जो साधारण व्यक्ति मानता है ऐसे कोई साधारण नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। और बहुत सारी स्मृतियाँ हैं महाराज जी के साथ, तो और कभी शेयर करेंगे। लेकिन ये विशेष मेरे जीवन में एक घटना है जो घटी, ये विशेष घटना है। और महाराज जी का सदैव यही रहता है, और बहुत अनेक सेवा किया, घूमते रहता हूँ मैं प्रचार में, तो महाराज जी का कहना यही रहता है कि इस्कॉन छोड़ के कभी मत जाना है, क्योंकि वृंदावन में ये बड़ा बहुत बड़ा भय रहता है। और महाराज को चिंता रहती है जब वृंदावन में भक्त रहने लगता है। ये विशेष मेरे संस्मरण से रहते हैं। अभी एक भक्त थे हंस वाहन प्रभु दिल्ली में ही, तो वो काफ़ी बीमार थे, काफ़ी बीमार थे, एकदम सूख गए थे। और अंतिम उनका यही इच्छा था कि महाराज जी का एक बार दर्शन करो। आपका इस इंसिडेंट से मुझे वो याद आ गया। बस वो महाराज जी का दर्शन करके वो चले गए। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से मंदिर में मिले, एकदम इतना अच्छा हेल्थ हो गया था, बोले महाराज जी से मिलना है, कुछ भी कीजिए मुझे महाराज जी से मिला दीजिए। अभी महाराज की कृपा से मुझे दूसरा जीवन मिला है, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ऐसा मैं महाराज के साथ रहता हूँ तो कई लोग हैं ऐसे जिनके साथ ऐसा हुआ है। आप तो पर्सनली फील किए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। तो गुरु महाराज के बारे में प्रभु जी बताए इतना, और उससे हमें भी एक वो हंस वाहन प्रभु के लिए याद आया, तो हम भी अपना शेयर किए। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसे ही हम आगे और भी कई भक्तों को रिक्वेस्ट करेंगे महाराज के बारे में कुछ बताए, और हम आप सबके सामने वो हम लाना चाहेंगे। महाराज का और भी गुणगान जितना हो सके उतना हम करने का प्रयास करेंगे आप सबके साथ।